हेलो एंड वेलकम टू ऑल सिराम एजुकेशन। तो आज हम बात करेंगे कि बीए करने के बाद आपको कौन कौन सी नौकरी मिल सकती है, मतलब कि अगर आपने बीए किया है तो आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आपको क्या क्या जॉब्स मिल सकती है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम डेली एजुकेशन से रिलेटेड अमेजिंग वीडियोज़ डालते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि अमेजिंग वीडियो होने वाली है, आपको आफ्टर ऑल बताएगी कि अभी के बाद क्या कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। बीए करने के बाद आप काफ़ी सारी चीज़, मतलब ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं बीए करने के बाद ही आप टू डू एमबीए और एमटेक और एमए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बीए के बाद भी अपने करियर में काफ़ी अच्छे लाइक हाइट पर पहुँच सकते हो, काफ़ी अच्छे स्कोप्स हैं जिनकी सैलरी भी अच्छी होती है। तो आप बीए करने के बाद जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, और फिर उसके बाद आप चाहे तो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हो लाइक एमबीए, और आप कुछ आगे डिग्री लेना चाहते हो तो। वैसे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो बीए के बाद, हम अभी लेकिन थोड़े से सिलेक्टिव चीज़ें बता रहे हैं आपको। अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। तो बीए करने के बाद आप टीचर बन सकते हो, ठीक है, टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बीए के बाद आप बीएड कर सकते हो, तो फिर आप टीचर बन जाओगे। कलेक्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, पुलिस के लिए, बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हो तो बीए के बाद आप जा सकते हो, ठीक है। सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हो, कोई नेता बन सकते हो आप बीए के बाद। अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स देन यू कैन जॉइन पॉलिटिक्स आफ्टर डूइंग बीए, ठीक है। तो बीए करने के बाद आप सिविल सेवा में भी जा सकते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज होती है, जैसे आईपीएस, आईएएस, कलेक्टर, ये सब भी आप कर सकते हो आफ्टर बीए। मतलब इन इन जगह चांसेस आपको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे यही एजुकेशन नीड चाहिए होती है। या फिर आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो ताकि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए इन इन फील्ड्स में, फिर उसके बाद आपको एक जॉब मिल जाएगी एक्सपीरियंस के बाद, ओके। क्योंकि काफ़ी फिर हम जॉब लेना चाहते हैं तो वो बोलते हैं फ्रेशर है, तो फ्रेशर को जॉब्स नहीं मिलती है, तो आप इंटर्नशिप करके अपना एक्सपीरियंस बना सकते हो, देन यू कैन जॉइन एनी ऑफ दिस जॉब्स, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए, और वीडियो को लाइक करना। दैट इज़ ऑल टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।